चलिए बीकानेर से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां मकान में आग लगी है। भिकाजी का सामान रखा हुआ था, आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। सूचना के एक घंटे बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। तो आपको बता दें, बीकानेर में एक मकान में आग लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, लेकिन सूचना जब दी गई उसके एक घंटे बाद भी फायर ब्रिगेड यहां नहीं पहुंची है। और हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, बताएं खबर। देखिए बिल्कुल, यहां पर जो है इस मकान में आग लगी है, यहां पर भीकाराम चांद कहा जा रहा है कि यहाँ के लोगों ने अपने तरीके से मोटर लगाकर पानी लगा, थोड़ी दिक्कतें भी हैं, इसलिए हो सकता है ये कारण रहा हो, लेकिन अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची है। एक सूचना दे दी गई, इनका आरोप पहुंची नहीं, फायर ब्रिगेड आ रही है। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक बार फिर से उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, लगता है टेक्निकल समस्या, लेकिन आपको एक बार फिर से ये तस्वीरें हम दिखाएंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ रहा, क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा है कि इस मकान में आग तो लगी, लेकिन आग लगने के एक घंटे बाद भी, जब सूचना दी गई तो उसके बाद भी फायर ब्रिगेड यहाँ नहीं पहुंची। फिलहाल अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पे फायर ब्रिगेड के लोग दिख रहे हैं, पुलिस यहाँ दिख रही है, भिकाजी का सामान यहाँ रखा हुआ था और अब आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। लेकिन ऐसा, जितनी आवाज लक्ष्मण राघव की आई उस तौर पे ये उनका कहना था कि जो आसपास के लोग थे, क्योंकि रिहायशी इलाका था, आसपास मकान भी थे, तो जब मकान में आग लगी तो आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। तो ये तस्वीरें अब आप देख रहे हैं बीकानेर से, जहां एक मकान में आग लगी, भिकाजी का यहाँ सामान रखा था और अब इस सामान को बाहर निकालने की कवायद शुरू हो गई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ आ चुकी है। लक्ष्मण, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? चलिए लक्ष्मण से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनके पास हमारी आवाज नहीं आ रही, लेकिन ये तस्वीरें बीकानेर से आप देख रहे हैं, उस मकान की देख रहे हैं जहां पर आग लगी। और आग लगने के साथ साथ आपको बता दें, जब फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई कि यहां पर आग लगी हुई है, यहां पर सामान रखा हुआ है, उसके एक घंटे बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं आई। अब आप सोचिए, अगर एक घंटे फायर ब्रिगेड नहीं आती या आग नहीं बुझती, तो ये आग ना सिर्फ इस मकान में बल्कि आसपास के मकानों में भी फैल सकती थी। लेकिन आसपास के जो लोग थे उन्होंने समझदारी दिखाई और इसी के साथ उन्होंने कोशिश की, अपने तौर पर, अपने स्तर पर उन्होंने कोशिश की कि इस आग को बुझाया जाए। फिलहाल जो इस वक्त की आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो तस्वीरें ये बता रही हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम अब पहुंची है और अब इस मकान से वो सब सामान निकालने की कोशिश हो रही है जो इस मकान में रखा था। हालांकि अब स्थिति क्या है, कितना मकान ये जला है, अंदर क्या क्या सामान रखा था, ये हमारे सहयोगी बताएंगे, लेकिन फिलहाल उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही है। तो आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं।